खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गांव चौबारा में ग्रामीणों ने रास्ते को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और तरह तरह के आरोप लगाए। आपको बता दें, दरअसल मामला जनपद अमरोहा के ग्राम पंचायत चौबारा का है, जहां पर ग्रामीणों ने सरकार व पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाढ़ जनता पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी पर भी ग्रामीणों ने जमकर आरोप लगाया और इसके साथ साथ ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और पीडब्ल्यूडी से इस रास्ते की कई बार शिकायती पत्र देकर मांग की गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। गौरतलब है कि जब स्कूल बच्चे जाएंगे नहीं तो कैसे शिक्षित होंगे। कर रहे हैं कि हाँ, बहुत परेशानी हो रही है, निकलने में बहुत परेशानी होती है, मेहमान भी निकलते हैं और तभी गिर जाती है, उनके बच्चे भी गिर जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, किताबें सन जाती हैं। हाँ। आप लोगों ने शिकायत की इसकी कभी किसी से? हाँ, शिकायत बतेरी की। हाँ। तो लेकिन किसी ने सुना नहीं? ना सुनता कोई भी। कोई अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये कितने दिन से खराब है रास्ता? ये तो बहुत दिन हो गए। ये सब हम पानी की वजह से कर रहे हैं, पानी भर पड़ता है, नाली की भी सफाई नहीं हो रही है और यहाँ हाथों के पानी में बच्चे गिर रहे हैं, लिखने पढ़ने वाले भी, और हम जो अच्छा पानी भरा पड़ा है। आप जैसे ये हमारा जो रोड है, यहाँ पर जितनी भी सवारियाँ निकलती हैं सबको परेशानी होती है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं तो परेशानी होती है, लोग बाग गिरते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कितने दिन से खराब है रास्ता? ये करीबन 3 महीने से खराब है। हमने हर किसी से कही, विधायक जी से भी कही थी, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये लगा लो, हमने बहुत परेशान है, हम यहाँ पर जब निकलते हैं तो बहुत परेशानी होती है। ये स्कूल के बच्चे आते जाते हैं तो फिर स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, गिरते हैं, उन्हों की पढ़ाई जो होती है वो भी टाइम भी वेस्ट होता है उनका, गिरते हैं, कितने बच्चे गिरते हैं। यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते समय इस कीचड़ में गिर जाते हैं और उनके पुस्तक व ड्रेस दोनों ही खराब हो जाते हैं, जिस वजह से उनको अपने घर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि जहाँ शिक्षा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अथक प्रयास किया है और उसे ही कुछ आला अधिकारी ऐसे पलीता लगाने में जुटे हैं कि आप उस रास्ते की हालत को देखकर हैरान तो ज़रूर रह जाएंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की खास रिपोर्ट।